नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा। ये फटाफट अंदाज में देखते हैं 30 खबरें। एयरटेल ने 211 रुपए के प्लान के तहत 30 दिनों की वैलिडिटी में रोजाना 1 GB डेटा देने की पेशकश की है, जिससे कुल 30 GB डेटा मिलेगा। वही 181 रुपए के डेटा ओनली प्लान में 15 GB एक्स्ट्रा डेटा और एयरटेल एक्सट्रीम प्ले प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध है। यूजर्स इन प्लान्स को किसी भी एक्टिव प्लान के साथ रिचार्ज कर सकते हैं। आपको कौन सा प्लान सही लगता है, इसका जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत में 2 अक्टूबर को रात 9:13 पर सूर्य ग्रहण शुरू होगा, जो अगले दिन 3:17 पर समाप्त होगा। चूंकि ग्रहण के समय रात रहेगी, इसलिए भारत में रिंग ऑफ फायर का नज़ारा नहीं देखा जा सकेगा। आज 24 कैरेट सोने का भाव 496 रुपये बढ़कर 75,260 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वही चांदी का रेट 1,922 रुपये प्रति किलो उछल कर 90,324 रुपये प्रति किलो के स्तर पर खुला। सोने और चांदी की कीमतों में ये बढ़ोतरी बाजार में उत्साह पैदा कर रही है। ITBP ने कांस्टेबल ड्राइवर की 545 पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लिए पद निर्धारित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 अक्टूबर से शुरू होकर 6 नवंबर तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट requirement.itbppolice.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 27 सितंबर को भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच की शुरुआत लॉर्ड्स की तर्ज पर रिंगिंग बेल बजाकर की जाएगी। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री इस विशेष परंपरा को निभाएंगे। भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा के एक डाई हार्ड फैन ने अपनी पूरी बॉडी पर उनके टैटू गुदवाए हैं। वे पिछले 6 साल से रोहित शर्मा का फॉलोअर है और उनसे एक बार मिलने की इच्छा रखते हैं। फैन का मानना है कि रोहित के साथ एक मुलाकात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल होगा। ऑस्ट्रेलिया के लोबी इंस्टीट्यूट की एशिया पावर रिपोर्ट में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए जापान को पीछे छोड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। यह रैंकिंग आर्थिक संबंधों, सैन्य क्षमताओं, सांस्कृतिक प्रभाव और राजनीतिक लचीलेपन पर आधारित है। 2024 का फाइनल क्वार्टर सिनेमा प्रेमियों के लिए एक धमाकेदार लाइनअप लेकर आया है। विक्की कौशल की छावा, बॉबी देओल की कंगुआ, कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 और अजय देवगन की सिंगम अगैन जैसी मोस्ट अवेटेड फिल्में जल्द ही रिलीज होंगी। त्योहारों में नई कार लेने से पहले इन बातों पर करें गौर। सबसे पहले अपनी कार के दस्तावेजों से खुद को परिचित कर लीजिए। सही समय पर कार की सर्विसिंग कराइए। इंजन ऑयल और फिल्टर की देखभाल करिए। नियमित रूप से टायर को जांचें। ब्रेक पर खास तौर से ध्यान देना चाहिए। एक्टर अनुपम खेर ने CV के जरिए अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन पर चर्चा करते हुए बताया कि वे मुंबई में मात्र 37 रुपए लेकर आए थे। 500 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके खेर ने यह भी कहा कि उन्हें अभी भी अच्छे रोल की भूख है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 733 पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसमें प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और राज्य बीमा समेत 13 विभिन्न पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। JPC ने वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए फीडबैक की मांग की थी, जिसमें अब तक 1.25 करोड़ सुझाव आ चुके हैं। लेकिन निशिकांत दुबे ने इस आंकड़े पर सवाल उठाते हुए ISI और चीन का हाथ होने का आरोप लगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने भी इन आंकड़ों पर हैरानी जताई है। दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर ने Terminal 1 और अन्य टर्मिनलों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एयर ट्रेन शुरू करने की योजना बनाई है। यह एलिवेटेड और 8 ग्रेड ऑटोमेटेड पीपल मूवर सिस्टम के तहत लागू किया जाएगा। APM के लिए टेंडर पहले ही जारी किया जा चुका है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि हमारे देश में हज यात्रा की आड़ में भिखारियों की एंट्री पर रोक लगाइए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अपनी केंद्रीय जांच एजेंसी को मामले की जांच करने का आदेश दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने PF के पैसे निकालने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। कर्मचारियों को 15 दिनों के भीतर राशि प्राप्त होगी। अब कर्मचारी बिना कंपनी की अनुमति के अपने PF अकाउंट से पैसे निकाल पाएंगे। महाराष्ट्र सरकार के PWD विभाग ने सिद्धू दुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। ये नई प्रतिमा 60 फुट ऊंची होगी, जो पिछली प्रतिमा से लगभग 2 गुनी ऊंची होगी।
भारतीय एयरटेल ने अपने ग्राहकों को स्पैम कॉल और मैसेज से बचाने के लिए एक नया एआई बेस्ड स्पैम फिल्टर लॉन्च किया है। ये पूरी तरह ऑटोमेटिक है और सभी एयरटेल ग्राहकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगा। ये सुविधा उन ग्राहकों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी जो स्पैम से परेशान है। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज 3 अक्टूबर से होगा। इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया यूएई के लिए रवाना हो चुकी है। इस बार का टूर्नामेंट बांग्लादेशी राजनीतिक हालात के कारण यूएई में आयोजित किया जा रहा है। WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक मुस्लिम यूएई, ट्यूसिनिया, सूडान और बहरीन देशों में शराब का सेवन करते हैं। इन देशों में शराब की खपत में लगातार वृद्धि हो रही है और कई ने शराब संबंधी नियमों में ढील दी है। इसके अलावा कुछ देशों ने शराब पर लगे टैक्स में भी कटौती की है। भारत में सबसे महंगी कार नंबर प्लेट के मालिक अंबानी और अडानी भी नहीं है, बल्कि प्रथम स्थान पर आशिक पटेल है, जिनकी टोयोटा फॉर्चूनर पर महंगी नंबर प्लेट लगी है। दूसरे स्थान पर है केस बालगोपाल, जिनके पोर्चे 718 बॉक्स्टर पर महंगी नंबर प्लेट लगी है। तीसरे स्थान पर आते हैं जगजीत सिंह, उनके टोयोटा लैंड क्यूरिजर LC 200 पर महंगी नंबर प्लेट लगी है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त की तारीख घोषित कर दी है। किसानों के खातों में 5 अक्टूबर को 2000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। करोड़ों किसानों के लिए ये राहत भरी खबर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और चीन संबंधों को अशांत बताते हुए कहा कि वर्तमान में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त का मुद्दा प्रमुख है। उन्होंने 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प का हवाला देते हुए गश्त व्यवस्था में बदलाव का जिक्र किया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग राजनीति में कदम रखने के लिए चर्चा में है। सहवाग की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चाएं दिन ब दिन तेज हो रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके द्वारा हरियाणा के तोसाम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी के लिए वोट मांगने का दावा किया जा रहा है। वीरेंद्र सहवाग को राजनीति में एंट्री करना चाहिए या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी ने नए ऑल टाइम हाई को छू लिया है, जहां सेंसेक्स 85,247.42 और निफ्टी 26,032.80 पर पहुंचा। वही दिन के कारोबार के अंत में सेंसेक्स 256 अंकों की बढ़त के साथ 85,170 और निफ्टी 64 अंकों के उछाल के साथ 26,004 पर बंद हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने फर्जी कॉल और SMS से बचाने के लिए उपभोक्ताओं के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। चूंकि वित्तीय धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ रही हैं, हाल ही में सरकार ने धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए चाक्सू पोर्टल को लॉन्च किया और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सख्त निर्देश जारी किए हैं। भारत में त्योहारों का मौसम नजदीक है, जिसमें दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली शामिल है। इस मौके पर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां फेस्टिवल सेल का आयोजन कर रही है, जिसमें स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप और फैशन उत्पादों पर भारी छूट मिलेगी। टेलीग्राम के CEO पवेल दुरो ने घोषणा की है कि अवैध गतिविधियों में शामिल यूजर्स की निजी जानकारी जैसे फोन नंबर और IP एड्रेस कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा की जाएगी। ये कदम प्लेटफॉर्म की सेवा शर्तों में महत्वपूर्ण अपडेट का हिस्सा है। इसका उद्देश्य टेलीग्राम पर अवैध गतिविधियों को रोकना है। IIT दिल्ली के शोध में पाया गया है कि योग निद्रा के दौरान ब्रेन में कई सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, जिससे दिमाग की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। MRI अध्ययन से पता चलता है कि इस अवस्था में न्यूरॉन सिस्टम अधिक एक्टिव होता है। योग निद्रा के दौरान ब्लड सर्कुलेशन में सुधार भी देखा गया है, जो इसके स्वास्थ्य लाभ को और बढ़ाता है। भारत में रिवर राफ्टिंग का बढ़ता क्रेज एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों के साथ साथ आम यात्रियों को भी आकर्षित कर रहा है। देश में खास तौर से इन जगहों पर जाना पर्यटक बहुत पसंद करते हैं। गंगा नदी, जो ऋषिकेश में प्रसिद्ध है, कुल्लू मनाली की व्यास नदी, सिक्किम एवं दार्जिलिंग की तिस्ता नदी, लद्दाख की सिंधु नदी और आखिर में नैनबाग की यमुना नदी। फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनी स्विगी जल्द ही 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का IPO लाने वाली है, जिसके लिए SEBI से अनुमति मिल चुकी है। सेलिब्रिटी निवेशकों की कड़ी में अब माधुरी दीक्षित के बाद करण जौहर और राहुल द्रविड़ भी शामिल हो गए हैं। ये निवेशक स्विगी के बढ़ती लोकप्रियता और संभावनाओं को देखते हुए इसमें रुचि जता रहे हैं।
आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है संजीव कुमार, एस के कुमारी, नूनू गोलू, धनंजय कुमार, जितेंद्र ठाकुर, परमिला कुमारी, सपना कुमारी, राम बाबू दास, संजय शाह, रंजीत कुमार, गोनर शर्मा, प्रिंस पासवान।